अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल मतीन सरयस। फिर से एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की प्यार, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सपोर्ट ने आज मुझे इस मंजिल तक पहुँचा दिया है कि आज मेरा गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है, जो कि एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए गूगल एक को पिन भेजता है जिसे वेरीफाई करना पड़ता है। इसको वेरीफाई करने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज बहुत खुश हूँ, ये देखिए, आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये गूगल एडसेंस का पिन मुझे मिल सका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस मंजिल तक मुझे पहुँचाया, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो आप तमाम हजरात का सबसे पहले मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से आगे सपोर्ट करते रहें अपने भाई अब्दुल मतीन को और आगे और कामयाबी तक पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरीके की वीडियो मैं लाऊंगा अपने चैनल पर, और मैं ब्लॉगिंग वीडियो के लिए ही ये चैनल ऑलरेडी मैंने खोला था, लेकिन इसमें हर तरीके की वीडियो इसलिए मैं डालूंगा ताकि अगर कोई यूट्यूब में काम करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो YouTube से रिलेटेड भी मैं कुछ जानकारी दे सकूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम आप फाइनली मतलब कोई भी काम सही से कर सकेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने अभी पिन मंगाया है आप देख सकते हैं Google AdSense का, और ये एड्रेस है मेरा, तो इसको मंगाने में मुझे करीब लग गए 25 दिन लग गए, जबकि 8 से 12 दिनों में ये पिन आ जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये मुझे इतना दिन क्यों लगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो लगता क्यों है कि आपका एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो हमारा गांव कोई शहर में है नहीं, तो यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा लापरवाही भी कर देते हैं, थोड़ा स्लो है ये आता है, वैसे स्पीड पोस्ट से है मगर बहुत स्लो आता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट से आता है। इसको मंगाने के लिए मुझे दोबारा यूट्यूब को मुझे मेल करना पड़ा कि यूट्यूब मेरा पिन जो है सो मैंने 15 तारीख को भी अप्लाई कर दिया था, बट अभी तक नहीं मिला मुझे, क्या मिलेगा या नहीं इसका जवाब ज़रूर दें। तो उनका रिप्लाई आया हुआ था कि जी आपको बहुत ही जल्द भेज दिया गया है, आपको पिन बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो फिर जैसे मैंने मेल किया था उसके 2 दिन बाद ही ये मेरे घर पर ये पिन पहुँच चुका था। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यही आखिरी स्टेप है पैसा यूट्यूब से लेने के लिए, जो ये फाइनली आ चुका है। इसको किस तरीके से वेरीफाई करते हैं ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ मैं काम खोल करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एड्रेस जो मेंशन किया हुआ है आपके पैन कार्ड एंड इसमें गूगल एडसेंस जब अकाउंट बनाते हैं सेम बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखिए मेरा सारा कैपिटल लेटर में होगा, एड्रेस जो है सो सारा कैपिटल लेटर में है। तो इसको ये क्योंकि कैपिटल लेटर में मैंने इसलिए डाला क्योंकि पैन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर ही में था, तो कैपिटल लेटर में जिस तरीके से था मैं आपको स्क्रीनशॉट कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर इसी तरीके से आपको एड्रेस डालना जिस तरीके से आपके पैन कार्ड एड्रेस में है, वहाँ पर वेरीफिकेशन करने के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट वगैरह वहाँ पर लेता है। तो याद रखिएगा, आपको अगर आप शहर से हैं तो ये 10 दिनों में मिल जाएगा। तो मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा और आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें पिन कैसा होता है, और 6 डिजिट का पिन होता है, जो कि आपको पता है एड्रेस है जो वेरिफिकेशन के लिए पिन आता है तो 6 डिजिट का होता है, वहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आता है गूगल एडसेंस में। मैं आपको फुल करके दिखाऊँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और इसे किस तरीके से मंगाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि किस तरीके से आपको सारा फॉर्म फिल करना है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से। अब ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 साइड ये अनबॉक्सिंग करने को दिया हुआ, वैसे भी बहुत सारी वीडियो आप देख लीजिएगा जिस तरीके से सब बताते हैं, फाइनली मैं भी उसी तरीके से बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं 3 साइड ये रिमूव करने का ऑप्शन दिया है, मैं 3 तरफ से इसे रिमूव कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको पिन भी कि कैसा है। चलिए हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसे बहुत ही ध्यान से अनबॉक्सिंग कीजिए क्योंकि हमें तो पता नहीं कि पिन कहाँ हो सकता है बीच में हो या फिर साइड में भी पिन लगा दिया गया हो, इसलिए आप इसे इतना ध्यान से निकालिए ताकि कोई परेशानी ना हो। अब
अब इसे मैंने तीनों तरफ से कर लिया है रिमूव। अब हम इसे ओपन करते हैं और पिन का नज़ारा कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसे मैंने ओपन कर लिया है और ये है मेरा पिन जो कि आप देख सकते हैं 055042। ये मेरा पिन है 6 डिजिट का, जो कि मैं ये आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखाऊंगा कि इसे किस तरीके से वेरीफाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे मंगाना है और फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। ये है मेरा पिन और यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, step 1, step 2, step 3, step 4 फोर्थ स्टेप है, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए गूगल एक्सेस में जाने को कहा जा रहा है, यहाँ पे पेमेंट मेथड भी ऐड करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे 3 स्टेप में है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके वहाँ पर भी आपको ये स्टेप मिल जाएगा, और यहाँ पे चौथा है। और ये इस पिन को फिलअप करने के लिए 3 ही बार आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर ये जो लेटर है 6 डिजिट का, अगर आप इसे मिस करते हैं 3 बार से ज़्यादा अगर डालते हैं तो आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए ज़्यादा ना समय गवाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। तो नाज़रीन इकराम, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में। अब हम यहाँ पर करेंगे अपने एडसेंस को वेरीफाई, जो कि मेरा पिन आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर टर्म एंड कनेक्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 6 डिजिट का जो नंबर है इसे हम इंटर करेंगे। उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ लाइव कि किस तरीके से करना है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है इस पर। उसके बाद ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यू एल फाइंड द 6 डिजिट पिन एंड द लेटर वे सेंड यू, जो आपके पास भेजा गया है वो आपको डालना है 6 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे यू हैव 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है, रिमेनिंग, यानी कि 3 बार से अगर जायद अगर आप इसमें इंटर करते हैं तो समझ लीजिए ये आपको आपका ये एड्रेस डिसेबल कर देगा। तो आप ध्यान से मिला के डालिए। तो मैं लेटर डाल लेता हूँ 055, यहाँ पर इंटर करना है। जीरो डबल फाइव, उसके बाद 042042। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 055042, 055042। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने इंटर कर लिया है, यहाँ पर आपको सबमिट पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वेरीफाई नाउ का आपका यहाँ पर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये देखिए वेरीफाई का ऑप्शन भी हट गया। आप इसे रिफ्रेश करिएगा, वो जो डब्बा सा आता था वेरीफाई नाउ का, ये बिल्कुल आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल था जो था, ये स्टेप बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी। बस इसी तरीके से आपको एड्रेस वेरीफाई करना, ये वाला लाइनिंग हट जाएगा शायद अभी, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ यूर पेमेंट एयर करेंटली ऑन होल्ड, इसमें अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये शायद हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लिख के आता था यूर पेमेंट इज़ करेंटली होल्ड, तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल गायब हो चुका है। यहाँ पर वेरीफाई का डब्बा जो आता था वो भी गायब हो चुका है। बस अब फाइनली ये था स्टेप। इस तरीके से आपको पिन आता बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत संभाल के इसे आपको करना है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यूट्यूब में काम करना चाहते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो नाज़रीन इकराम, आपने जैसा कि देखा कि किस तरीके से मैंने वेरीफाई किया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मंगाना है, किस तरीके से इन सारे स्टेप को फॉलो करना है। क्योंकि ये मेरा दावा है कि अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये मेरा दावा है कि आप कभी भी मिस नहीं होंगे। और ये याद रखिएगा, ये गूगल एडसेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम देखते हैं और मैंने भी देखा, तो ये याद रखिए कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो उसको ये ध्यान रखिए उस वीडियो को कब अपलोड किया गया है।
मेरा मतलब है ये कि कब अपलोड किया गया, अगर 6 महीने के पार है वो वीडियो, आप वहाँ पे मेंशन टाइम भी मेंशन करता है कि कब अपलोड किया गया ये इस वीडियो को, वहाँ पे टाइम भी मेंशन करता है कि 6 महीने की है या 1 साल की या 2 साल की या फिर 6 साल की या फिर 1-2 महीने की। अगर 2 से 3 महीने की वीडियो है, अगर आपको कुछ सीखना है, 1 से 2 महीने की वीडियो है, तो उसी वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो लेटेस्ट अपडेट होती है और जो हर 1-2 महीने में अपडेट चेंज होते रहते हैं, स्टेप अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं बताऊंगा, आज से 2-3 साल पहले की गूगल एडसेंस की वीडियो देखिए, तो वहाँ पे कुछ अलग पेज आते थे और अब कुछ अलग आते हैं। अब यूट्यूब में कुछ अलग, पहले बदलाव कुछ थे पर आप कुछ और बदल के कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कब के देख रहे हैं, या 2 दिन के देख रहे हैं, 2 महीने के देख रहे हैं, कम से कम 3 महीने की वीडियो देखिए। 3 महीने से उधर की है तो मत देखिए, क्योंकि उससे आपको सीख नहीं मिलेगी, आप देख लेंगे सिर्फ, उसका वाइस टाइम बढ़ेगा और आपको उससे फायदा हासिल नहीं होगा। तो नाजरीन इकराम, आपने सारा कुछ देखा सीखा और इसी तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है। चलिए नाजरीन इकराम, आप इजाजत दीजिए अपने भाई अब्दुल मतीन को, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।